सत्सवें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर देश के कोने कोने से भीम अनुयायी नागपुर से दीक्षा भूमि पर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच समृद्धि महामार्ग से प्रयाण कर रहे भीम अनुयायी भयंकर हादसे की चपेट में आ गए। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी दीक्षा भूमि पर लाखों की संख्या में भीम अनुयायी शिरकत कर रहे हैं। इसी बीच समृद्धि महामार्ग से प्रयाण कर रहे भीम अनुयायी अमरावती स्थित निबुरा बोखड़ा दामनगांव रेलवे के पास पहुंचे, लेकिन उसी बीच वह भयंकर हादसे की चपेट में आ गए। मिली जानकारी के हवाले यह गाड़ी बुलढाणा जिले से चिखली मार्ग से दीक्षा भूमि जा रही थी, लेकिन उसी बीच ड्राइवर को नींद आने से दुर्घटना हुई। लेकिन रोज की खबरों में समृद्धि महामार्ग से बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण यह विषय चिंतनीय होती जा रहा है। बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली या तालुक्यातील हे बुद्ध लोक आहे, हे आज नागपूरला समृद्धि महामार्गाने जात होते। चिखलीवरून निघाले असताना धामणगावच्या जवळपास लोकेशन माहित नाही प्रत्यक्ष, पण तिथे यांचा एक ॲक्सिडेंट झाला आणि ते सर्व लोक समृद्धीचे जे काही वर्कर आहे कामगार आहे त्यांनी इथे सरकारी दवाखान्यात धामणगाव रेल्वेच्या सरकारी दवाखान्यात त्यांना आणलं आणि जसं हे आम्हाला माहीत पडलं रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आम्ही त्यांच्या भेटीसाठी इथे आलो, त्यांची पूर्ण चौकशी करून डॉक्टरांकडून त्यांचा पूर्ण उपचार करून घेतला व त्यांना तातडीने वरिष्ठ म्हणजे अमरावती सामान्य रुग्णालय तिकडे त्यांना रवाना केलं, दाखवण्यात पोहोचवण्याचं काम सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केलं। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।